हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं चैप्टर 5th को लेकर के आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को लास्ट वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने चैप्टर 4 की समरी बताई थी। अब इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बारे में नील भगवान से पूछते हैं ईश्वर से कि ईश्वर को पाने का सच्चा रास्ता कौन सा है, यानी कि हम ईश्वर प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, कौन से रास्ते हैं जिन पे हमें चलना चाहिए। क्या चीज़ों को त्याग देना, उनका परित्याग कर देना, आत्म उत्पीड़न करना, संसार को त्याग देना, हर चीज़ से अपना मोह खत्म कर लेना, क्या यही वो रास्ते हैं? सन्यासी हो जाना, वैरागी हो जाना, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ में बताया हुआ है, या फिर कुछ और जो नई पीढ़ी के न्यू एजर्स कहते हैं कि हमें इनमें से किसी को नहीं मानना चाहिए, हमें सबका खंडन कर देना चाहिए, हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। कौन सा रास्ता है जो ईश्वर तक पहुँचाता है? तो गॉड बहुत खुश होते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम इस प्रश्न तक आए हो तो तुम्हें इसका उत्तर भी जरूर मिलेगा। जो भी ये जानना चाहता है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कौन सा है, और जो दिल से इस चीज़ को खोज रहा है, उसको वो रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो गॉड उनको बोलते हैं कि तुम्हें इनमें से ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे नियम क्यों बनाऊंगा जो लोगों को तकलीफ़ दें? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन करी किस तरीके से जाती हैं वो चीज़ को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम मुझे सिर्फ हृदय के स्थान से ही पा सकते हो, यानी कि मुझे पाने के लिए तुम्हें अपने हार्ट सेंटर में जाना होगा, अपना हार्ट चक्रा को ओपन करना होगा, यानी कि लव को, कंपैशन को, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए, तभी तुम मुझे पा सकते हो। अगर तुम मन से या अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से मुझे पाने की कोशिश करोगे तो तुम मुझे नहीं पा सकते हो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम्हें मुझे हृदय के स्थान से देखने की ज़रूरत है। खुद ईश्वर बात करते हैं, पर वो ऐसी बातें करते हैं, इतना ज़्यादा प्योर होती है वो, इतनी ज़्यादा सच्ची होती है कि कई बार हम उस पर यकीन नहीं कर पाते। हम डाउट में आ जाते हैं कि क्या हमें जो विचार आ रहे हैं, या क्या हमारे इंट्यूशन जो आ रहा है, क्या वो सही है? ये आजकल के टाइम पे इतना कौन करता है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हम उसको अनसुना कर देते हैं, उसको सुनते ही नहीं हैं, और बाहर जो चल रहा होता है, जो बाकी लोग कर रहे होते हैं, हम बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। तो ईश्वर कहते हैं, जब तक तुम अपने हृदय स्थान में स्थित नहीं होगे, तुम मुझे सुन नहीं सकते, तुम मुझे जान नहीं सकते। ईश्वर उनको बोलते हैं कि ना तो मैं कोई राजा हूँ और ना ही मैं कोई शासक हूँ जो मैं किसी पर शासन करूँगा। मैं खुद पर शासन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि तुम तो मेरा ही प्रतिरूप हो। जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम हो, और मैं क्या करता हूँ? मैं सिर्फ क्रिएशन करता हूँ, सृजन करता हूँ हर पल, और तुम्हें भी मैंने वही वरदान दिया हुआ है सृजन करने का। तो मैं कैसे अपने आप पे ही शासन कर सकता हूँ, कैसे ही खुद का राजा हो सकता हूँ? और मेरे तक पहुँचने का जो मार्ग है वो तुम्हें पहले से ही बता दिया गया है, बस ज़रूरत है तो तुम्हें अपने मन के स्थान से बाहर आकर अपने हृदय के स्थान में आने की। दोस्तों, गॉड उनको बोलते हैं कि तुम बिल्कुल मूसा के जैसे बहुत तत्पर और जिज्ञासु हो। एक बार मूसा भी मेरे पास यही प्रश्न लेकर के आया था कि मेरे पूर्वजों के देवता आप कहाँ हो, मेरे पूर्वज आप कहाँ हो, आप मुझे दिखते क्यों नहीं हो, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? आप हो, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनों को ये बात कैसे बताऊँ? मैं मूसा के पास गया था शाश्वत वचन लेकर, पत्र लेकर जो पवित्र है, लेकिन उसको इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं इन पे कैसे विश्वास करूं? मैंने उसको बोला कि ये मेरे वचन हैं, इसलिए तुम उस पे विश्वास करो। और ठीक उसी तरीके से मैं तुम्हारे पास भी आया हूँ, क्योंकि तुमने ये प्रश्न उठाया है, तुम भी उतने ही जिज्ञासु हो और तुम भी ये जानना चाहते हो। ईश्वर उनको वो 10 चिन्ह उनको बताते हैं, सिंबल्स देते हैं, ऐसी बातें बताते हैं कि अगर तुम इनको अपने जीवन में पाते हो तो तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हो। उनमें से सबसे पहला पॉइंट जो ईश्वर उनको बताते हैं वो ये है कि तुम अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से सिर्फ ईश्वर को प्रेम करो,
और मेरे अलावा तुम किसी और चीज़ को ईश्वर मत मानो, किसी व्यक्ति को मत मानो, किसी व्यक्ति के प्रेम को मत मानो, सफलता को मत मानो, धन दौलत को या शक्ति को, अधिकार को या इनके प्रति को तुम किसी को भी नहीं पूजोगे। तुम इन चीज़ों को ठीक उसी तरह अलग करके रख दोगे जैसे कि एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने खिलौनों को एक तरफ रख देता है, इसलिए नहीं कि अब वो बेकार हो चुके हैं, बल्कि इसलिए कि अब उस बच्चे को उन खिलौनों की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर के नज़दीक आते जा रहे हो। दूसरा, ईश्वर उनको बोलते हैं कि बिना कारण मेरा नाम ना लेना और बात बात पर, छोटी छोटी बात पर मुझे ना बुलाना, यानी कि मेरा नाम बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है और बहुत महान है, और अपवित्र चीज़ों में तो तुम मुझे याद करने की सोचना भी मत। मेरा नाम है अहम ब्रह्मास्मि, जो कि कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और जब तुम ईश्वर को पालोगे तब तुम इस बात को समझ जाओगे। तो गॉड उनको बोलते हैं कि तुम एक दिन सिर्फ मेरे नाम से जी करके देखो, यानी कि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम हर पल को, हर लम्हे को एक बहुत ही डिवाइन तरीके से देखते हो और ये फील करते हो कि ये बहुत ही ब्लिसफुल डे है, डिवाइन फुल डे है, और इस तरह से तुम उस भ्रम जाल से जो तुम्हारा बिछा रखा है उससे थोड़े वक्त के लिए बाहर निकल पाते हो और देख पाते हो कि सब कुछ चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। और दोस्तों, गॉड उनको बोलते हैं कि जिस तरह से तुम अपने माता पिता की केयर करते हो, उनको रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान करते हो, ठीक उसी तरीके से तुम्हें बाकी और सब पेरेंट्स को, सबको उसी तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। गॉड उनको बोलते हैं कि जब तुम्हारे अंदर ये चेंज आने लग जाता है कि जब तुम किसी भी जीव की हत्या नहीं करते हो, तुम उसको भी जीने का उतना ही अधिकार दे रहे हो जितना कि तुमको है, अगर तुम ऐसा करते हो और तुम सक्षम हो पाते हो तो तुम समझ जाना कि तुमने ईश्वर को पा लिया है, क्योंकि ये भी ईश्वर के मार्ग पर चलने का और ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है। और इस तरह से क्या होगा, तुम समझ पाओगे कि किसी भी जीवन का अंत नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जीवन तो शाश्वत है, ये चलता रहता है, क्योंकि जीवन क्या है, एक ऊर्जा है और हम ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऊर्जा का रूप परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि उसको एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब तुम इस चीज़ को समझ जाओगे तो तुम ईश्वर को भी समझ जाओगे, और इस तरह से तुम अपने आसपास सभी जीव जंतुओं का, जानवरों का, पेड़ पौधों का, वृक्ष जाति का, सबका सम्मान करने लग जाओगे, और तुम्हें ये समझ आने लग जाएगा कि इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ की अपनी अहमियत है, हर एक चीज़ को जीवन का अधिकार है, और इस तरह से तुम सभी जीवधारियों का, जिसके अंदर जीवन है, सबका सम्मान करने लगोगे। ईश्वर उनको बोलते हैं कि तुम कभी भी प्रेम को बेईमानी से, छल कपट से, उसको अपवित्र मत करना, ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उस प्रेम का अनादर कर रहे होते हो, और जब तुम ऐसा करना सीख जाते हो, प्रेम को समझ जाते हो, तुम प्रेम को प्रेम ही रहने देते हो, तब तुम ईश्वर को पा लेते हो। ईश्वर उनको बोलते हैं कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम मत हत्याओ, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम तक जरूर आएगी। और अब तुम्हें क्रिएशन का सीक्रेट पता चल चुका है, तुम ये जान गए हो कि आज जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है और अगर तुम चाहते हो तो तुम किस तरह से उसे अपने जीवन में प्रकट कर सकते हो। तुम ना तो झूठ बोलो और ना ही झूठी गवाही दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जान जाओ कि तुम ईश्वर को पाने के बहुत पास हो, नज़दीक हो। नेक्स्ट, ईश्वर उनको बताते हैं कि तुम किसी पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन मत करो। ईश्वर कहते हैं कि ना तो तुम किसी के साथ बुरा करो और ना ही तुम किसी के साथ बुरा होते हुए देखो, और ना ही कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश करो जिसमें किसी का अहित होता हो। और जब तुम इन संकेतों को अपने अंदर समझ लो तब तुम इस बात को समझ जाना, कोई भी पर्सन ऐसा काम कर ही नहीं सकता जो ईश्वर के मार्ग पर ना चल रहा हो। इन सारी बातों को जानने के बाद नील उनको बोलते हैं, तो क्या जो धर्म गुरुओं ने बताया है या और भी पुराने जो तरीके बताए हुए हैं आप तक पहुंचने के, क्या मुझे उन सबको मानने की अब कोई ज़रूरत नहीं है? तो ईश्वर उनको बोलते हैं
कि तुम्हें सिर्फ वो होना है जो तुम हो। एनलाइनमेंट के लिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ तुम हो उसी को जान लेने की ज़रूरत है। ईश्वर उनको बोलते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम उस जगह पे जा ही नहीं सकते जहाँ तुम पहले से ही हो। तुम सिर्फ उस जगह पे जा सकते हो जहाँ तुम नहीं हो, और उसके लिए तुम्हें यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा। और तुम पहले से ही हो उस जगह पे हो जहाँ तुम्हें जाना है, और अगर तुम यहाँ से कहीं और जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जो जर्नी है उसका जो पर्पस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक अनंत यात्रा है जो तुम्हें करनी है, और इससे पहले भी तुम कई जन्म ले चुके हो। जिस स्वर का तुमने उल्लेख किया है वो कहीं और नहीं बल्कि यही है और इसी पल में है। इतना सब कुछ सुनने के बाद दोस्तों नील जो राइटर है उनका क्या रिएक्शन रहता है, वो क्या बोलता है गॉड से कि ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत खींच आती है, बहुत झुंझलाहट आती है, गुस्सा आता है कि आखिरकार अगर स्वर्ग यही है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ उसको, और हर कोई यही क्यों कहता रहता है कि स्वर्ग यही है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है, तो ये गड़बड़ झाला क्या है, मुझे प्लीज़ समझाइए। तो ईश्वर उनको बोलते हैं कि तुम्हें जितनी खींच इस बात को समझने में आ रही है उतनी ही खींच इस बात को समझाने में भी आती है। तो नील उनको बोलते हैं हे भगवान कि आपको खींच होती है, तो गॉड उनको बोलते हैं क्यों नहीं होगी, तुम्हें क्या लगता है खींच किसी और की बनाई हुई चीज़ है, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम कुछ ऐसा महसूस कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी तुम महसूस करते हो वो सब मैं भी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे ही माध्यम से अनुभव कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मैं खुद को जान ही नहीं पाता, और अभी भी मैं तुम्हारे ही माध्यम से उन सारे अनुभवों को महसूस करता हूँ जो कि तुम करते हो, तभी तो मैं जान पाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और तुम्हें भी ऐसे ही जानना है कि तुम कौन हो। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे उच्चतम स्वरूप में, जिसे कि तुम ईश्वर कहा करते हो, अपने उस स्वरूप में मैं इस खींच का अनुभव नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करना चुनता ही नहीं हूं। गॉड उनको बोलते हैं ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं वो अनुभव कर नहीं सकता, ऐसा इसलिए है कि मैं वो अनुभव होना महसूस करना चुनता ही नहीं हूँ। नील उनको बोलते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं अभी भी उस स्वर्ग को अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूँ कि स्वर्ग यही है। गॉड उनको बोलते हैं तुम किसी ऐसी चीज़ का अनुभव कर ही नहीं सकते जिसके बारे में तुम्हें बोध ही नहीं है, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, और तुम इस बात को जानते ही नहीं हो कि स्वर्ग क्या है, कहाँ है, स्वर्ग की अनुभूति कैसी होती है, तो फिर तुम ये कैसे जान पाओगे कि यही स्वर्ग है और इसी पल में स्वर्ग है। उसके लिए तुम्हें स्वर्ग का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों गॉड उनको बोलते हैं कि एनलाइनमेंट तुमसे किस चीज़ की उम्मीद करता है, एनलाइनमेंट तुमसे कुछ ऐसी चीज़ की अनुभूति करने की उम्मीद करता है जो कि तुमने अभी तक नहीं किया है, और उसके लिए ही तुम इधर से उधर भटकते रहते हो, और किसी ऐसी चीज़ को अनुभूत करना उसको जान लेना ही वो ही अलाइनमेंट के गेट को ओपन करता है। और जितनी भी चीज़ों को तुम जानते हो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कि तुम उसको जानते हो, लेकिन सही मायने में तुम उन चीज़ों की सिर्फ नॉलेज रखते हो, तुम उनको जानते नहीं हो। तुम्हें ज्ञान तो बहुत है लेकिन तुम्हें उस चीज़ की अनुभूति, उस चीज़ का एक्सपीरियंस, उस चीज़ का अनुभव वो बहुत कम है। ईश्वर उनको बोलता है एग्जाम्पल दे करके कि तुम ये बात जानते हो कि ईश्वर है और तुम ईश्वर को जानते हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम ये जानते ही ना हो कि ईश्वर कौन है। ईश्वर को अनुभूत करने के लिए यहाँ से वहाँ भटकते रहते हो, तरसते रहते हो ईश्वर को देखने के लिए, जबकि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही होता है। तुम ये जानते भी नहीं हो कि वो हर पल तुम्हारे साथ है, इसलिए ईश्वर का साथ होना या ना होना तुम्हें एक जैसा लगता है। ये इतनी डीप बुक है फ्रेंड्स के जब आप इसको पढ़ोगे इसके एक एक शब्द में इतनी गहराई है कि आप इसको पढ़ने के बाद कुछ पल के लिए रुक जाओगे और उस चीज़ को सच में महसूस करने लग जाओगे कि इसमें कितनी डीप बात कही गई है। इस बुक को आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक को आप जब पढ़ोगे फ्रेंड्स तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, आप इस बुक की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओगे, और ट्रू सेंस क्या है इस बुक का
वो आपको किस तरह से समझाना चाह रही है और किस तरह से आपको मैसेज मिलना है, वो आपको इस बुक को पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील उनसे बोलते हैं तो क्या ये त्याग, वैराग्य, क्या इन सब की ज़रूरत है? तो गॉड उनको बोलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कि हाँ, एक ना एक दिन हर सोल इन सारी चीज़ों को त्याग ही देती है, क्योंकि वो तब त्यागती है जब उसको पता चल जाता है कि संसार की कोई भी चीज़ आपको ट्रुथ के पास नहीं लेके जा सकती है। और जब वो ये बात समझ लेती है तब वो इन चीज़ों को अपने आप छोड़ देती है। और अगर कोई चीज़ है जो तुम्हें ट्रुथ की तरफ लेके जा सकती है तो वो है सिर्फ मेरा और तुम्हारा रिलेशन, वो ही है जो तुम्हें सत्य की ओर लेके जा सकता है, तुम्हें ट्रुथ बता सकता है। गॉड उनको बोलते हैं कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो कभी भी चीज़ों को छोड़ता नहीं है, बल्कि वो उन्हें एक तरफ रख देता है, ठीक वैसे ही जैसे कि अब वो चीज़ें उसके किसी काम की नहीं रह गई हैं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम अपनी इच्छाओं का दमन करो, पर हाँ, अगर तुम करना चाहो तो तुम अपनी इच्छाओं को बदल सकते हो। गॉड उनको बोलते हैं कि तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो तुमसे ये कहेंगे कि तुम्हें संसार की चीज़ों को त्याग कर देना चाहिए अगर तुम्हें ईश्वर को पाना है। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम चीज़ों को त्यागो मत, बस तुम उनके होने को समझ लो कि वो हैं तो क्यों हैं। जैसे संसार में धन दौलत, मान सम्मान और यश है, ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझ लेने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें क्या हैं। और इनका जितना ज़्यादा तुम इन चीज़ों का ज्ञान ले लोगे, उसको समझ लोगे, तो समझने के बाद में उन चीज़ों को साइड रखना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जब तक तुम इनका विरोध करते रहोगे और दमन करते रहोगे अपनी इच्छाओं का, ज़बरदस्ती फॉलो करोगे जो भी शास्त्रों में कहा गया है, तो तुम जितना ज़्यादा किसी चीज़ का विरोध करते हो, प्रतिरोध करते हो, तुम उस चीज़ को अपने अंदर उतनी ही ज़्यादा जगह दे रहे होते हो, क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो कहीं जाती नहीं है, वो प्रतिरोध के रूप में तुम्हारे अंदर रहती ही है। तो तुम्हें क्या करना है, किसी चीज़ का प्रतिरोध नहीं करना है, बस उसका बोध कर लेना है, यानी कि उसका ज्ञान ले लेना है, उसको समझ लेना है। और जैसे ही तुम समझ लोगे तो वो चीज़ गायब हो जाएगी। ईश्वर नील को बताते हैं कि जितने भी प्रबुद्ध लोग आज तक धरती पे हुए हैं और ऐसे भी एनलाइटमेंट मास्टर जो अब इस समय अर्थ पे नहीं हैं, उन्होंने कैसे अपने अनुराग को पहचाना और कैसे इन सारी चीज़ों से वो डिटैच हुए, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों का विरोध नहीं किया, उन्होंने बस उसको देखा और ये समझ लिया कि ये कहाँ पे लेकर के मुझे जा रहा है, मतलब ये मुझे ट्रू पाथ की तरफ लेके जाएगा, ये मुझे मेरे ट्रुथ तक पहुँचाएगा, और इस चीज़ का अस्तित्व क्यों है। उन्होंने इस भ्रम जाल को बस समझ लिया होता है और इसीलिए उन्होंने किसी चीज़ को त्यागा नहीं होता है, बस उसका बोध कर लिया होता है, उसको समझ लिया होता है, और समझने के बाद वो इन चीज़ों को बहुत प्यार से साइड से रख देते हैं कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है और जो वो चाहते हैं वो अपना अनुराग, अपना प्रेम सिर्फ उसी से रखते हैं जो उनको उनके ट्रू सेल्फ की तरफ लेके जाए, जो उनको अलाइनमेंट की तरफ लेकर के जाए। गॉड उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें त्याग, परित्याग, वैराग्य इन चीज़ों के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि तुम जो भी करो, कर्म करो, आपके कर्म के प्रति जो तुम्हारा प्यार है, अनुराग है, उसको ख़त्म मत करो, क्योंकि वही अनुराग है जो तुम्हें ये जानने में हेल्प करेगा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। अगर वो अनुराग ही ख़त्म हो जाएगा तो तुम कैसे जानोगे, तो इसलिए इस प्यार को तुम अपने अंदर बनाए रखो। ईश्वर उनको बोलते हैं कि मुझे कर्म में कोई परेशानी नहीं है, कर्म सृजन है, कर्म जीवन है, लेकिन मैं उस कर्म के बाद किसी फल की आसक्ति नहीं करता जैसे कि तुम किया करते हो। अगर तुम किसी कर्म को करने के बाद उसके फल की आसक्ति करते हो तो फिर से तुम इन चीज़ों में फंस जाते हो। तो मेरा जो काम है, जो मुझे आनंद आता है, वो तो मुझे सिर्फ क्रिएशन करने में आता है, सृजन में आता है, उसके फल में मुझे कोई इच्छा नहीं रहती है। और मैं जो क्रिएशन करना चाहता हूँ मैं उसी को क्रिएट करता हूँ, और जो मैं नहीं चाहता हूँ उसको मैं चुनता नहीं हूँ। दोस्तों, ये इतनी
गहराई से सारी बातों को बताया हुआ है कि मैं जितनी बार भी इस बुक को पढ़ती हूँ मुझे वो कहे हुए शब्द हर बार एक नए तरीके से समझ में आते हैं। अभी जो मेरी स्टेट है और मैं जिस अपनी अंडरस्टैंडिंग की स्टेट से आपको समझा पा रही हूँ, मैं आपको बस उतना ही बता पा रही हूँ। हो सकता है कि शायद आप इस चीज़ को मुझसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ, तो इस बुक को आप रीड कीजिएगा और मेरे साथ भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक टास्क मैं आप लोगों को देती हूँ इस बुक का। ईश्वर क्या है आपकी नज़रों में? ईश्वर क्या है? आप किस चीज़ को ईश्वर समझते हैं? वो एक शब्द में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर हर एक पर्सन एक वर्ड में ईश्वर को डिफ़ाइन करे कि उसकी नज़रों में क्या है, तो देखिए कमेंट बॉक्स में ही ईश्वर के नए नए कितने तरह के रूप देखने को मिलेंगे। जैसे मैं मेरा बताती हूँ कि मैंने ईश्वर को किस तरह से अनुभूत किया है, किस तरह से मैंने समझा है, जो मेरे बोध में आया है या मेरी नॉलेज में आया है, वो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स, एक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, लाइफ, क्रिएशन, लव, अनकंडीशनल लव, खुशबू, जो प्यार की है, शांति की है, और जो एकदम से फील होती है ना, तो सब कुछ एकदम अंदर से शांत कर जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्सन को जब मैं देखती हूँ तो बस मैं ये देखती हूँ कि ओ अच्छा, ईश्वर इस रूप में भी अनुभव ले रहे हैं। कोई भी पर्सन मुझे रोड पे भी चलता हुआ मिलता है ना, तो भी मैं देखती हूँ कि अच्छा, ईश्वर इस रूप में भी अनुभव ले रहा है, अच्छा इस रूप में भी अनुभव ले रहा है। अगर कोई पर्सन मुझे बहुत अच्छा करता दिखता है तो भी मुझे लगता है ओ तो गॉड इसके रूप में भी एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। और कोई पर्सन अगर मुझे सही करता हुआ नहीं दिखता है तो भी लगता है कि यार ये भी एक एक्सपीरियंस ही हो रहा है अपने आप को जानने के लिए कि इसका क्या फील होता है। तो मेरी जो गॉड की जो डेफिनेशन थी ना पहले से, वो बहुत चेंज हो गई है, बदल गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली अगर इस जो अर्थ है, इसकी जो क्रिएशन है, क्रिएशन के पीछे की जो फीलिंग है, जो एक सार है, वो सिर्फ और सिर्फ लव है, एक अनकंडीशनल लव जो इस अर्थ को क्रिएट करते टाइम पे गॉड ने हमारे लिए किया, सारी चीज़ों को फ्री दिया, नेचर की जितनी चीज़ें हैं, जो भी हमारे रहने लायक जगह बनाई, हमें फूड प्रोवाइड कराया, पानी दिया, अग्नि, आकाश, सब कुछ। तो ये क्या है? ये सब कुछ गॉड का अनकंडीशनल लव है हमारे लिए। और जितनी भी लाइफ फोर्सेस हैं, जितनी भी तरह की जीव हैं, जीव जंतु हैं, और पेड़ पौधे हैं, हवा है, हर चीज़ में अगर मैं आईज क्लोज करके महसूस करती हूँ ना, तो मुझे वो ईश्वर फील होता है, मुझे पता चलता है कि वो मेरे आसपास ही हैं, एक हवा के रूप में मेरे पास है। मैं जब सांस ले रही हूँ तो वो सांस के साथ मेरे अंदर जा रहे हैं। तो कम्प्लीटली गॉड की जो डेफिनेशन, जो एक लिमिटेड थी पहले मेरे लिए, एक मंदिर में थी, अब वो से बाहर निकल करके हर जगह हो गई है। हर तरफ जहाँ मैं देखती हूँ, जहाँ लाइफ है, जहाँ क्रिएशन है, वहाँ मुझे गॉड नज़र आ जाते हैं। आपकी नज़रों में क्या है? आपने क्या समझा है? प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जो नील राइटर है वो उनसे पूछते हैं कि हमारे अंदर का जो शुद्ध बीइंग है, जिस शुद्ध बीइंग की आप बात कर रहे हो, क्या आप उसे मुझे समझा पाएंगे दोबारा से कि वो क्या है? तो ईश्वर उनको बताते हैं कि शुद्ध बीइंग का जो स्टेट है वो एक ऐसा स्टेट है जो कि अनकंडीशनल लव का है और सिर्फ क्रिएशन का है। हमारी जो पूर्ण आत्मा रहती है वो हमारी बीइंग रहती है, और जिसको सिर्फ अनुभव लेना होता है अपने आप को जानने के लिए। गॉड उनको बताते हैं ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी को प्यार करते हैं, और अगर आपके मन में ये भाव है कि वो भी मुझे उतना ही प्यार करे, तो वो ट्रू बीइंग नहीं है। ये ठीक ऐसा ही हुआ कि आप किसी से प्यार करें और आप बदले में कोई अपेक्षा ना रखें, उससे कोई उम्मीद ना रखें किसी भी तरह की, बस आप कर रहे हो तो आप अपने उसी स्टेट में बहुत खुश हो कि आप उसको प्यार कर रहे हो, उस एहसास के साथ आप खुश हो। अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपका ट्रू बीइंग है, जो सिर्फ और सिर्फ हर स्थिति में खुश रहता है,
और किसी चीज़ का उसको किसी भी चीज़ का असर उसके ऊपर नहीं होता। कोई भी उसके ट्रू नेचर, उसका जो ट्रू सेंस है, उसको छू नहीं सकता। वो एक शुद्ध, एक लव है, एक प्योर स्टेट है लव की। वो हमारा ट्रू बीइंग है। और गॉड उनको ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी से लव करते हो या कुछ भी करते हो प्यार के लिए, और आप बदले में अगर उस चीज़ का रिटर्न चाहते हो, उसकी अपेक्षा रखते हो, तो तुम्हारा जो ये अपेक्षा करना है फल प्राप्ति का, वो ही है जो मुझे तुमसे अलग करता है। मैं सिर्फ सृजन में ही आनंद लेता हूँ, उसके परिणाम में नहीं। और कर्म करना ये सृजन का ही स्टेप है। आपको कर्म करना ही होगा सृजन करने के लिए, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं करनी। अनुराग उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ ऐसा समझाने का प्रयास किया है। एक ऐसा प्यार, एक ऐसी चीज़ जो आपको आपके ट्रू के और नज़दीक लेकर के जाए, जैसे कि मीरा बाई को कृष्ण से था, उनको उनसे अनुराग था, जो उनको उनके ट्रू सेल्फ की तरफ उनको लेकर के गया। ठीक इसी तरीके का जो एक अनुराग है, जो सही जगह से होना चाहिए, जो आपको सही जगह पहुंचाए। अगर आप गलत जगह से अनुराग रखेंगे, अपेक्षाएं रखेंगे, तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे। नील उनको बोलते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को विस्तार से समझाइए कि अगर हम किसी चीज़ का प्रतिरोध करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ईश्वर उनको बोलते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ का विरोध करते हो, प्रतिरोध करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम उस चीज़ को पहले ही स्थान दे चुके हो। क्योंकि हम किसी चीज़ का तभी विरोध कर सकते हैं जब वो अस्तित्व में हो, और जो चीज़ अस्तित्व में है ही नहीं, आप उसका विरोध ही नहीं कर सकते। तो अगर आपके मन में कोई ऐसी बात आ रही है जो कि निगेटिव है, और आप नहीं चाहते हो उसको सोचना और नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में लाना, तो उसका तुम विरोध मत करो। जितना ज़्यादा उससे पीछा छुड़ाओगे, नहीं 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 कहीं ऐसा ना हो जाए, नहीं 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 ये नहीं करना, जितना ज़्यादा उसका विरोध करोगे, एक तरह से आप उसको अस्तित्व में जगह दे रहे हो, उसकी ऊर्जा को स्थान दे रहे हो। तो आपको क्या करना है? आपको विरोध नहीं करना, आपको सिर्फ उस चीज़ को देखना है, बस देखना है। और देखने के बाद में चुन लेना है जो आप चाहते हो, और जो आप होना चाहते हो, जैसा आप लाइफ चाहते हो, उसको बस चुन लो, और जो नहीं चाहते हो उसको साइड में रख दो, पर उसका विरोध मत करो। लेकिन तब क्या हो जब आप कोई चीज़ चाहते तो हो, लेकिन आप उसको गायब नहीं होने देना चाहते? तो ईश्वर उनको बोलते हैं कि तुम हमेशा से यही चाहते हो, कुछ चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हो, लेकिन क्या कुछ ऐसा है अभी तक जो तुम पकड़ के रख पाए हो अपनी ज़िंदगी में? हम ऐसा कुछ भी पकड़ के नहीं रख सकते। और अगर तुम चाहते हो उस चीज़ को, तो तुम दोबारा क्रिएट कर सकते हो उसको अपनी लाइफ में, पर पकड़ के नहीं रख सकते। नील उनको बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें करने का हमें निर्देश कौन देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ईश्वर उनको बोलते हैं कि हर पल बस तुम्हें यही जानना है और देखना है कि तुम क्या हो रहे हो और तुम क्या होना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा होना और तुम्हारा चाहना ही इस चीज़ को डिसाइड करता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। वो ही तुम्हें निर्देश देता है करने के लिए। गॉड उनको बताते हैं कि तुम्हारे जीवन के अब तक के सारे चयन उसी ने किए थे जो तुम होना चाहते हो, जिसने तुम्हें ये निर्देश दिए थे कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो करना है। जहाँ भी तुम्हें, जो भी तुम चुनते हो, चुनाव करते हो, वही तुम्हें निर्देश देता है कि तुम्हें क्या करना है। अब नील उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि त्याग और वैराग्य, क्या ये सब बेकार की बातें हैं या ये सच में सच्चे मार्ग पर चलने की राह है? तो गॉड उनको बोलते हैं कि त्याग और परित्याग बिल्कुल बेकार की बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल ठीक है और ये मुझ तक आने का रास्ता है, लेकिन इसको मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से करने के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूँ। इसको बस समझ लेना होता है। और लोगों ने क्या किया है ना, त्याग है, परित्याग है, वैराग्य है, इन नाम के अनर्थ कर दिए हैं। इसका ट्रू मीनिंग कोई जानता ही नहीं है। और ये अब क्या हो गया है, ये फोर्सफुली लोग करने लग गए हैं। तो फोर्सफुली नहीं करना है। जब तक समझ नहीं आएगी, आप किसी चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ आपके साथ साथ चलती रहेगी, और वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप उसको समझ कर, उसका बोध लेकर, उसका ज्ञान लेकर उसे गायब नहीं कर देते। तो जो सीक्रेट है चीज़ों को गायब करने का, वो क्या है?
चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।